हेलो फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हिंदी का एक जीवन परिचय। क्या है फ्रेंड, हिंदी का एक जीवन परिचय जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है, तथा आपके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है फ्रेंड, आज हम जो जीवन परिचय की बात करने वाले हैं वो होगा फ्रेंड्स किसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तथा इसे बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, तथा कितनी बड़ों का लिखें और ये कितना बड़ा लिखा, तथा इसे कैसे लिखें और इसकी उपलब्धियाँ तथा कृतियाँ कैसे लिखें, यही मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में चार नंबर आपके लिए अच्छे से मिले। क्या फ्रेंड, आपके लिए बोर्ड एग्जाम पूरे से पूरे मार्क्स मिले। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूँ कि सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। क्या फ्रेंड, आपके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय लिखने के लिए फ्रेंड आपके लिए वीडियो पूरी देखिएगा फ्रेंड, इसे कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए पल्ले नहीं पड़ेगा। क्या फ्रेंड, बाद में मत कहना कि मेरे समझ नहीं आया। तो ये फ्रेंड जो विभ्रा क्या फ्रेंड, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का जो आपके लिए जीवन परिचय आपके लिए बताने वाला हूँ, ये आता है फ्रेंड आपके लिए हिंदी काव्य से। किससे आता है फ्रेंड, एक हिंदी गद्य होता है और एक हिंदी काव्य है, तो इसमें से फ्रेंड आपके लिए एक जीवन परिचय देखने को मिलता है, तथा आपके लिए एक हिंदी गद्य में से आपके लिए देखने को मिलता है। तो फ्रेंड वीडियो को देर न करते हुए तथा वीडियो को लॉन्ग न करते हुए देखते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पर देखा फ्रेंड, हम शुरू से पढ़ते हैं, तथा आपके लिए कैसे लिखें मैं आपके लिए बता दूंगा कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, तथा आपके लिए बोर्ड एग्जाम में चार प्लस मार्क्स मिले। तो यहाँ पर देखा फ्रेंड, आपके पूरे मार्क्स मिले। तो यहाँ पर देखा फ्रेंड, स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका एवं वीर रस की एकमात्र कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। क्या हुआ था क्या फ्रेंड, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन पर जो क्या फ्रेंड जो जन्म हुआ था फ्रेंड, वो 1904 ईस्वी में इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या, एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने प्रयाग के कॉन्वेस्ट क्या गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। क्या फ्रेंड, खंडवा के लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ क्या होगा इनकी सन क्या फ्रेंड्स, इनका 15 वर्ष की आयु में क्या फ्रेंड 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। खंडवा के कहाँ से हुआ था फ्रेंड, खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका विवाह हो गया। और फ्रेंड विवाह के बाद क्या, विवाह के साथ क्या हुआ था फ्रेंड हुआ, और बाकी फ्रेंड विवाह के बाद गांधी जी की प्रेरणा से ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश की सेवा में लग गई। कहाँ पर फ्रेंड, देश की सेवा में लग गई। फिर आगे फ्रेंड, तथा राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने लगी। इन्होंने कई बार जेल यात्राएं भी की। क्या फ्रेंड, इन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रेरणा से इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो गया। क्या फ्रेंड, इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की क्या फ्रेंड प्रेरणा से इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो गया। वर्ष 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी आकस्मिक, मतलब क्या फ्रेंड 1948 में ही मात्र, देखिए फ्रेंड ये 1904 में जन्मी और 1948, इसका मतलब फ्रेंड ओनली कितने फ्रेंड, ये केवल 44 वर्ष ही जी सकें। कितने फ्रेंड, 44 वर्ष ही जी सकें। यहाँ पर देखा फ्रेंड आकस्मिक, यानी आकस्मिक का मतलब होता है फ्रेंड असमय, मतलब समय से पहले ही गुजर जाना। क्या फ्रेंड, समय से पहले यानी फ्रेंड जवानी में मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए फ्रेंड आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसके लिए आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, इनकी जो इनकी कृतियाँ फ्रेंड आपके लिए पूछा कि इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय लिखी, तथा उनकी एक कृतियाँ लिखी। तो यहाँ पर कृतियाँ हैं फ्रेंड, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती इत्यादि। आगे फ्रेंड उपलब्धियाँ, फ्रेंड इनकी उपलब्धियाँ क्या थी, मुकुल काव्य संग्रह पर के क्या फ्रेंड सेकरिया पुरस्कार क्या मिला था इन्हें, क्या फ्रेंड संग्रह पर इन्हें सेकरिया पुरस्कार मिला था। तो यही सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय होगा। तथा आपके लिए अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूल करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।